राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो विष्णु भगवान की, जय हो विष्णु नारायण भगवान की जय। आज मैं आपको फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, कलश की स्थापना कैसे करें, साथ ही व्रत का मुहूर्त और साथ ही व्रत का पारण समय बताने जा रही हूँ। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी कहलाती है। इस बार यह एकादशी 9 मार्च मंगलवार को है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है, सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से 3 गुना फल मिलता है। कहा जाता है कि विजया एकादशी के दिन भगवान राम ने लंका विजय के लिए पूजा और व्रत किया था। इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही मनुष्य को सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त होती है। यह एकादशी महाशिवरात्रि के 2 दिन पहले आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली एकादशी कृष्ण पक्षीय व अमावस्या के बाद आने वाली एकादशी शुक्ल पक्षीय कहलाती है। प्रत्येक पक्ष की एकादशी का अलग अलग महत्व बताया गया है। भगवान महादेव जी ने पद्म पुराण में नारद जी से एकादशी का महत्व बताया था कि अगर मानव मात्र एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके पितृ व पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिलती है, उनके पूर्वज तृप्त हो जाते हैं और वे अपने बच्चों को फलने फूलने का आशीर्वाद देते हैं, पितरों का उद्धार होता है, वे कुयोनि को छोड़कर स्वर्ग धाम को पाते हैं। विजया एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो कलश की स्थापना किस प्रकार और कैसे करें वो मैं आज आपको बताऊंगी। दशमी के दिन स्वर्ण चांदी का कलश लेवें। अगर स्वर्ण और चांदी का कलश ना बन सके तो मिट्टी का कोरा कलश लेवें। कलश में शुद्ध जल भरें, 5 पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा अर्थात 7 प्रकार का अनाज रखें, जिसमें गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, चना, मक्का, साबुत मूंग, साबुत काले उड़द हो सकते हैं। कलश के ऊपर कटोरी में जो रखें उसके ऊपर विष्णु नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति रखें। अगर स्वर्ण की मूर्ति ना बन सके तो आप पीतल की मूर्ति भी रख सकते हैं। और एकादशी के दिन पूरा समय घड़े के सामने व्यतीत करें, रात्रि जागरण करें। द्वादशी को नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद योग्य पंडित को खाना खिलाकर दक्षिणा के साथ घड़ा भी देवें। विजया एकादशी की पूजन विधि। एकादशी के एक दिन पहले से ही एक समय भोजन करें। भोजन में मांस, मदिरा, मसूर की दाल का प्रयोग न करें। फिर एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेवें। घर के मंदिर की उचित साफ सफाई करें। चौकी पर विष्णु भगवान को विराजमान करें। फिर एक सोना, चांदी या मिट्टी का कलश लेवें। कलश में शुद्ध जल भरें। 5 अशोक के पत्तों से कलश को सजाएं। कलश के नीचे 7 प्रकार के अनाज रखें। कलश के ऊपर कटोरी में जो रखें, फिर उसके ऊपर विष्णु भगवान की सोने या चांदी की मूर्ति रखें, ना हो सके तो पीतल की मूर्ति रखें। विष्णु भगवान को पीले फूलों की माला पहनाएं, चंदन से तिलक करें, ऋतु फल अर्पित करें, तुलसी व पंचामृत अर्पित करें। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, मिश्री, माखन, सिंघाड़ा चढ़ाएं, आरती करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, एकादशी की कहानी सुने और शाम को दोबारा विष्णु भगवान की आरती करें, घी का अखंड दीपक जलावें व शाम को फलाहार ग्रहण करें, रात्रि जागरण व कीर्तन करें, जमीन पर सोएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, झूठ, निंदा, चोरी, बुराई करने से बचें,
सत्य का पालन करें, अगले दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं, मंदिर में सीधा जरूर देवें, ब्राह्मण को जो कलश की स्थापना की है उस कलश को दान दक्षिणा के साथ देवें, उसके बाद द्वादशी को खुद भोजन करें। विजया का शाब्दिक अर्थ है विजय अर्थात जीत। इस व्रत को अगर मनुष्य करते हैं तो उनके जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए उन्हें इस पर विजय मिलती है। उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद का हाथ हमेशा बना रहता है। विजया एकादशी का व्रत करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। जो विजया एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का चमत्कारिक फल मिलता है। एकादशी तिथि प्रारंभ कब होगी? विजया एकादशी का शुभ मुहूर्त, एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मार्च सोमवार को 3:44 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 9 मार्च मंगलवार को 2:03 पर। पारण का मुहूर्त है 10 मार्च को 6:37 से 8:59 पर, अर्थात पारण की अवधि है 2:21। विजया एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वे श्री लक्ष्मण जी और जानकी के साथ पंचवटी में निवास करने लगे थे। इस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री राम जी अत्यंत दुखी और व्याकुल हुए और श्री सीता जी की खोज के लिए चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे। कुछ आगे चलने पर उनको सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और उन्होंने सारा समाचार श्री रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की संपत्ति लेकर वानरों और भालुओं की सेना सहित लंका की ओर प्रस्थान किया। श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तब उन्होंने महान और अगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देखकर श्री लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर पाएंगे? श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई श्री राम जी, यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वक्दालभ्य नाम के मुनि रहते हैं, आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्दालभ्य ऋषि के पास गए और उनको प्रणाम करके उनके समीप बैठ गए। वक्दालभ्य मुनि ने श्री रामचंद्र जी से आने का कारण पूछा। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने और सीता को छुड़ाने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुन्दर पार करने का कोई उपाय बतलाइए। वक्दालभ्य ऋषि बोले, हे राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से आप समुन्दर से अवश्य पार हो जाएंगे और साथ ही आपकी विजय होगी। हे राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण चांदी तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेवें, उस घड़े को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे सतनजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज मिले हुए हो, उसके ऊपर कलश रखें, फिर कलश के ऊपर जो रखें, फिर उसके ऊपर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान की पूजा करें
उस दिन भक्ति पूर्वक घड़े के सामने समय व्यतीत करें, रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे देवे। हे राम जी, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य आपकी ही विजय होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक लक्ष्मण और सेना के साथ विजया एकादशी का व्रत किया और उसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसके दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, जो इस व्रत का महात्म्य सुनता है, पढ़ता है, उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो कथा का सार ये है कि विष्णु भगवान का किसी भी रूप में पूजन मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूरी करता है। भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, अपितु अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सद्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को किया। विजय की इच्छा रखने वाला कोई भी मनुष्य इस व्रत को करके अनंत फल का भागी बनता है। विजया एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को हर क्षेत्र में विजयश्री प्रदान करता है। तो इस तरह आज मैंने आपको फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की व्रत कथा, पूजन विधि, कलश की स्थापना, पारण समय और व्रत का मुहूर्त बताया। आशा करती हूँ ये आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु नारायण भगवान की जरूर लिखें। भगवान विष्णु आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे और आपको हर क्षेत्र में विजय मिलेगी। धन्यवाद।